हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामुन। जी हाँ, सूजी के गुलाब जामुन। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 220 ग्राम सूजी, 250 ग्राम के लगभग दूध है, रिफाइंड ऑयल, चीनी, इलायची के दाने 5, पानी। गैस ऑन कर दिया है। पहले हम चाशनी बना लेते हैं। ये एक पतीले में पानी डाल दिया है और चीनी, चीनी एक कटोरी के लगभग है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। और जो इलायची के दाने लिए थे उसको हम कूट लेंगे अच्छे से। आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने डाल दिया है पतीले में, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीनी घुल गई है अच्छे से। इसको हम तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, नॉर्मल चाशनी बनानी है। इसको अब मैंने उतार दिया है। अब एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमने डाला है सूजी। सूजी में घी वगैरह डाल के कुछ नहीं भुनना है, सिंपल ऐसे ही भुनना है इसको। इसमें कलर नहीं आना चाहिए, बस 2 से 3 मिनट तक ही भुनना है ताकि सूजी का कच्चापन निकल जाए। अब ये देखिए इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी सूजी का, 100 ग्राम सूजी से ही बनाना। फिर एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर जो दूध लिया था वो हमने डाल दिया है। और इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल आप घी भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए ऐसे बीच बीच में मिक्स करते रहना है। देखिए सूजी में सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है। और थोड़ा दूध डाल दिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया है मैंने। अभी ये गरम है। इसको अब हमें गूंदना है, जैसे रसगुल्ले के लिए बताया था ना, अच्छे से मथना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है इसका। और ये ठंडा होने के बाद नहीं बनाना, थोड़ा गर्म रहेगा तो ही बनाना है। ये देखिए अच्छे से मैंने हथेली की हेल्प से अच्छे से इसको गूंद लिया है। अगर आपको रसगुल्ले बनाने की रेसिपी जाननी है तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और उसको राउंड शेप दे देंगे, जैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की होती है। ये देखिए नो क्रैक्स। ऐसे ही सारे गुलाब जामुन बना लेंगे हम।
ये देखिए, देखिए बन गए हैं ये। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। और जब थोड़ा गरम हो जाए तेल, तो उसमें हम ये गुलाब जामुन डाल देंगे। और एक बार में बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कम गुलाब जामुन डालेंगे तो उसको फूलने का टाइम सही से मिलेगा, स्पेस मिलेगा। और अगर एक बार में 10, 12, 15 डाल देंगे तो वो वैसे उसका साइज़ वैसे ही रह जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। देखिए, ये देखिए, ऐसे करके मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। गुलाब जामुन का कलर कैसा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली सूजी के गुलाब जामुन बनाते समय जैसा कलर दिखता है, और 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद उसका कलर थोड़ा और डाउन हो जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।